देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव की पहली पत्नी। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ये बातें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन देवी पुराण में इस प्रसंग के बारे में और भी रोचक बातें बताई गई हैं। और देवी पुराण के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। और यज्ञ के बारे में जानकर सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए जाना और मृत्यु, ये दोनों ही एक समान है। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही तुम्हारे पिता ये महायज्ञ कर रहे हैं। अगर ससुराल में अपमान होता है तो वहाँ जाना मृत्यु से बढ़कर होता है। अगर हम देवी पुराण की माने तो भगवान शिव की ये बात सुनकर देवी सती बोली, महादेव आप वहाँ जाएं या फिर नहीं, लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। देवी सती के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति खुद गलत कार्य करके दूसरे पर दोष लगाता है। अब मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, इसलिए अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। जब महादेव ने ये बात कही तो सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने तो पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी और अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। और ये सोचकर देवी सती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध से फड़कते हुए ओठों वाली और कलाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर महादेव ने अपने आँख बंद कर लिए और भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने अचानक उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव भी डर गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के इस भयानक रूप को देखा। देवी भगवती के इस भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को दौड़ते हुए देखकर देवी सती ने कहा, डरो मत, डरो मत। इस शब्द को सुनकर शिव और भी अधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके और बहुत तेजी से भागने लगे। इस प्रकार अपने स्वामी को डरा हुआ देखकर देवी भगवती अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण करके सभी दिशाओं में स्थित हो गईं। महादेव जिस ओर भी भागते उस दिशा में वो भयंकर रूप वाली भगवती को ही देखते थे। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवती काली को देखा। तब उन्होंने कहा, हे श्याम वर्ण वाली, आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई। तब देवी काली बोली, क्या अपने सामने स्थित मुझ सती को आप नहीं देख पा रहे हैं? ये जो लोग अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं, ये मेरे ही रूप हैं और इनके नाम काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्मस्तिका, शुणसी, त्रिपुर सुंदरी, बंगलामुखी, धूमावती और मातंगी हैं। देवी सती के ये वचन सुनकर शिव जी बोले, मैं आपको पूर्णा तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ, इसलिए अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ भी कहा उसे क्षमा करें। ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महादेव से कहा कि अगर मेरे पिता दक्ष के यज्ञ में आपका अपमान हुआ तो मैं उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। और इस तरह से देवी सती के इस रूप को देखकर, यानी कि देवी सती के भगवती काली का रूप देखकर भगवान शिव भी डर कर भागने लगे थे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।